राहुल गांधी आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, या मोदी जी ठीक है? नहीं, राहुल गांधी जी बनना चाहिए 2024 में, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। क्यों बनना चाहिए? इसलिए महंगाई फुल हो गई है, ये 70 रुपया था पेट्रोल, पेट्रोल गैस सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, 1100 मिठना तेल इतना महंगा हो गया मिठना तेल। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बेक, राहुल गांधी सरकार अंदर जन रही। राहुल गांधी आते सर, राहुल गांधी आते, राहुल गांधी क्या 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 राहुल गांधी आ सकता बोल रहा है, आ सकता है बोल रहा है 2024 में, 2024 हाँ, आउट ऑफ आपको इनको लगता है कि बन जाएंगे? बन जाएगा, आउट ऑफ। लगातार आपको भारत यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत यात्रा में लोगों का जो हुजूम है वो आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग जो है छतों से नीचे राहुल गांधी को देखते हैं, कुछ लोग पैदल पैदल चलते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में क्या है ये टटोलना भी जरूरी है। और एक महीना पूरा हो गया है, एक महीना पूरे होने पर एक सर्वे इस यात्रा का भी बनता है कि क्या वाकई राहुल गांधी के लिए लोगों के मन वो बदल रहा है, लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद है, या अभी भी लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये जो सवाल हैं, ये सवाल यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का ये वासोमोका गांव है, न्यू मोका ये गांव है, तो मोका शब्द जो है इस गांव के आखिरी में है। और सवाल यही है कि राहुल गांधी को मौका देंगे या नरेंद्र मोदी को मौका देंगे। और यहाँ पर भी चुनाव है, यहाँ पर भी चुनाव है 2023 में मई में, करीब 5 महीने बाद में यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव है। तो दोनों सर्वे यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, गांव वाले क्या कुछ मानते हैं, एक महीना इस यात्रा का पूरा हो गया है, क्या असर पड़ रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा हमारी मदद करेंगे। आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नागेंद्र है। नागेंद्र जी जो है वो धर्मेंद्र जी की मदद करेंगे, और मेरा नाम धर्मेंद्र है, ये मेरी मदद करेंगे। मैं इनसे हिंदी के जरिए और इनसे कन्नड़ से जो है वो सवाल जवाब लूंगा। इनसे पूछिए कि एक महीना पूरा हो गया है और ये लोग गांव के लोग हैं, ये यात्रा को एक महीना पूरा हो गया है, गांव के लोग हैं, इनको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है क्या वाकई 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं या बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी बर्तना इला राहुल गांधी बर्तना अंत केल्तिदार सर। राहुल गांधी आते सर, राहुल गांधी आते, राहुल गांधी क्या 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 राहुल गांधी आ सकता बोल रहा है, आ सकता है बोल रहा है 2024 में, 2024 हाँ। इनसे पूछो कि एक महीना पूरा हो गया है, क्या लगता है कि ये यात्रा से राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पूछे जरा। हाँ, ओन तिंगल आयतल ला एन राहुल गांधी आतने ला प्रधानमंत्री ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आतना ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾನ। क्यों 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 मोदी क्यों नहीं? मोदी ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟ। बोली 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 तो गांव के लोग हैं, थोड़ा वोकल नहीं है, लेकिन फिर भी निकलवाने की मैं कोशिश करूंगा, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा पीछे गांव के लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। थोड़ा आप बताइए, पूछिए जरा इनसे, पूछा था बोलो। क्या आपको लग रहा है कि एक महीना इस यात्रा का पूरा हुआ है, क्या वाकई राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, और क्या वो वाकई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या अभी भी नरेंद्र मोदी ठीक है और आगे भी ठीक है? राहुल गांधी को और बहुत काम करना पड़ेगा, लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको और बढ़ाना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो अगले बार भी मोदी जी आएगा। क्या और मेहनत क्या करें कि लीडरशिप का क्वालिटी बढ़ाए? क्या क्या क्वालिटी बढ़ाए बताइए? उनका जो बात करने का स्टाइल है, जो रहने का जो स्टाइल है वो पूरा बढ़ाना पड़ेगा उनको, जो पब्लिक से मिलने का स्टाइल भी बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक से और मिलना पड़ेगा। क्या क्या करें थोड़ा बताइए थोड़ा। जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, उसको कम्प्लीट चेंज करना पड़ेगा। किसका एजुकेशन? अपना एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नहीं नहीं, वो तो सरकार में आने के बाद ही कोई कर सकता है ना, उसको चेंज कर, कोई भी हो, मोदी हो राहुल हो, उसको चेंज करना ही पड़ेगा। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक महीना अभी इस यात्रा को हो गया है, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है बस, राहुल गांधी को पसंद कर रहा है लोग या नहीं कर रहा है? थोड़ा बहुत पसंद कर रहा है, पसंद कर रहा है, थोड़ा बहुत पसंद कर रहा है। अच्छा ठीक है, और मेहनत किया तो आ जाएगा, मेहनत किया तो आ जाएगा जरूर आ जाएगा। अभी एक महीने में थोड़ा बहुत है, 4 महीने में ज्यादा कुछ हो जाएगा ऐसा लगता है कि हाँ 5 महीने में ज्यादा हो जाएगा? सिंपली चला जा रहा है, कहीं बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो।
सिंपली चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बड़े बड़े हमें बात कर रहे हैं। लेकिन 30 किलोमीटर एक दिन में चलना है, 30 किलोमीटर, तो फिर वो कैसे वो चीज़ को करे कि लोगों से जो है पूरे उनके पीछे एक्सपर्ट है, 30 से और ज़्यादा चल सकते है, 30 से ज़्यादा चल सकते हैं, उनके पीछे एक्सपर्ट्स है, राहुल गांधी और ज़्यादा चल सकता है। अच्छा ठीक है, देखिए हम जो है वो तर्क वितर्क ना करके और लोगों की राय जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा आप आगे ही है, पूछिए जरा इनसे सवाल पूछिए। ये राहुल गांधी क्या लग रहा है कि यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लोगों के दिलों में जगह बन रही है? राहुल गांधी 24 प्रधानमंत्री अवतड़ आपको इनको लगता है कि बन जाएंगे? बन जाएगा, उनको लग रहा है बन जाएगा। आप बताइए इनसे सवाल पूछो। राहुल गांधी ఒక నెల నుంచి నడుస్తున్నాడు, రేపు వచ్చే ఎలక్షన్ లో ప్రధానమంత్రి అవుతాడా? అవుతాడు. ఎట్లా అవుతాడు? ఎందుకంటే ఆ బోలు ఎంగెంగతనా మోడీ हमारा मेरे तुमको खाना रखता है। रात बंद राहुल गांधी बंद ऐनकला मोदी बंद ऐनकला नम ओटे पड़े नावे दुड़को हो राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा, मोदी कुछ नहीं करेगा, हमारा पेट के लिए हम लोग मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अभी रुको, अभी इनसे पूछो कि 8-10 साल पहले महंगाई ज्यादा थी या अब ज्यादा है? पूछो इनमें जेल की तो रेट लग कुनाया, ये रेट लग कुनाया, मोदी रेट एक्वाइंडे ज्यादा है, आज बहुत ज्यादा है। अच्छा तो फिर मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी जी एनजीओ सुना रहे, मोदी को तेला राहुल गांधी को तेला, राहुल गांधी तो है ही नहीं तब कैसे करेगा वो आदमी? मोदी कोई मालूम ही नहीं है, मोदी को मालूम ही नहीं है उनको। देखिए एक जो है हमारे देश में लोगों की जो पॉलिटिकल समझ है वो भी आप जरा देखिए, और इसके ऊपर भी राजनीतिक पार्टियों को काम करना जरूरी है। लोगों को समझ ही नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ना मोदी कुछ कर सकता है ना राहुल कुछ कर सकता है, खुद कह रहे हैं कि 2014 में महंगाई ज्यादा थी। अब बताइए जब राहुल जी है ही नहीं, जो आदमी है ही नहीं अभी, और जब थे कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तब खुद मान रहे हैं कि महंगाई कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप वोटर का जो मन है वो इधर उधर, और बिल्कुल इस वीडियो को मैं काटे वगैरह आपको पहुंचाऊंगा ताकि चीजें मिले। हाँ थोड़ा थोड़ा इधर आइए, राहुल गांधी से पूछो जरा। राहुल गांधी बोलता हूँ, राहुल गांधी आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, या मोदी जी ठीक है? नहीं, राहुल गांधी जी बनना चाहिए 2024 में, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। क्यों बनना चाहिए भाई? इसलिए महंगाई फुल हो गई है, ये 70 रुपया था डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, 1100 मिठना तेल इतना महंगा हो गया मिठना तेल। तो फिर आप जब भी थोड़ी इनसे पूछो जरा, आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे तो कांग्रेस की सरकार में सस्ता था ना, पूछो जरा। थोड़े में कांग्रेस सरकार सस्ता हो गया, अभी ये मोदी का बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो फिर आप कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सरकार तो अगर कोई रहती है आदमी नहीं है, वो छोटा आदमी क्या क्या देश आदमी से वो अच्छी बात है, छोटा बड़े आदमी को खाली बड़े आदमी को ये कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसा बड़े आदमी को मोदी जी अच्छे ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, छोटे आदमी को कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं किसी को भगाइए मत, नहीं नहीं रखिए, मरी राहुल गांधी जैसा అంటున్నావు ఎందుకు అప్పుడే మాట మార్చినావు ఎందుకు? జనద అభిప్రాయం, జనముల అభిప్రాయం ఉంటుంది అంతే, జనానికి వెళ్ళి कनाडा ट्रांसफर नाम क्या है इनका? पूछो नाम, धनंजय। क्या 2024 में राहुल जी बने या मोदी जी बने कौन लगता है? 2024 राहुल जी ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರಾ? ಮೋದಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಐ ಆಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಎಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ರೇಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟತ್ತ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು ಗ್ಯಾಸ್, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟು? 1100 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ? ಎಲ್ಲಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬನ್ನೆ ಸೇ ಅಚ್ಚಾ ಹೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಖೇತ ವಾಲೆ ರೈತ ನಾನು ये खेत का जो है महंगाई कम करेंगे राहुल जी, और है ना गैस का, गैस फ्री दिए, गैस सिलेंडर फ्री दिए
मोदी जी, लेकिन आप 1100 रुपया कर दिए, इसके लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी चाहिए करे आप वो। अच्छा हाँ ठीक है, तो भाई थोड़ा सा एक सर वन सेकंड, प्रधानमंत्री सततवागि 2 साल मनमोहन सिंह 2 साल ಇದ್ದರು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಆಲ್ ಒಳ್ಳೆದೇ ಬಯಸ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ 2 ಸಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಇವರು ಮೋದಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆನೂ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ರೈತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮಂಗ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ। मनमोहन सिंह 10 साल पहले मनमोहन सिंह थे तो महंगाई कम थी उनके लिए, हर चीज में सस्ता था, दूध बहुत अच्छा आ रहा था उनके लिए, दूध बहुत अच्छा आ रहा था, सब कुछ सस्ता था उनके इसमें। अब है ना महंगाई बढ़ गई, डबल हो गया। ठीक है, अभी इनसे पूछो क्या काम करते हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये कैसे मारते हैं ना, वो व्यवसाय मारते हैं, व्यवसाय मारते हैं, रैतर किसान है, वो किसान है, रात्रि कष्टपट्ट बेलसिर, थोड़ा पीछे सर कष्टपट्ट अगले रात्रि बेलसिर, अभी हम जिक्र कर रहे थे, एक मिनट उनका, रुको अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक व्यक्ति था वो कह रहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता, दूसरा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, राजनीतिक समझ को लेकर के बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है किसान है, इसकी राजनीतिक समझ आप देखिए, किसान है, कार्यकर्ता है या कॉमन मैन है, पूछिए जरा, कार्यकर्ता और कॉमन मैन, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है कॉमन मैन है, और ये खुद जो है वो कितनी सारी बातें गिनवा रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल इतना था, डीजल इतना था, सिलेंडर इतना था, दूध इतना था, हैं, तो इतनी सारी चीजें गिनवा रहे हैं, तो यही जनता है, और जनता जो है वो सब जानती भी है, और जनता जो है वो इतनी भोली भी है, यही जनता के बीच से ही जो है वो फिर तय होता है रास्ता कि कौन किधर कि जो है वो जनता किसको आगे निकाल देती है, अपनी नासमझी की वजह से और अपनी समझ की वजह से किसको रोक भी सकती है, ये भी जनता के ऊपर है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।